हेलो जय माता दी। तो आज हम बनाते हैं नाश्ता चावल में, चावल से। तो जो बचे हुए चावल होते हैं ना, ये मेरे एक बड़ी कटोरी चावल बचे हुए हैं और एक कच्चे चावल है। चावल का आटा चाहिए था पर आज आटा नहीं है, तो इसी को हम मिक्सी में पीस के इसका ही आटा बना लेंगे। ये सूजी है, सूजी और चावल का आटा बराबर मात्रा में चाहिए। तो पीसने के लिए इसमें हम थोड़ी दही डाल देंगे। अभी पहले सूखे चावल पीस लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया एकदम बारीक, पर अगर चावल का आटा हो ना तो ठीक है, पर मेरे पास आटा नहीं था। इसको निकाल देते, ये हमने निकाल दिया और अच्छे से ये जो चावल है उसको पीस लेंगे। अभी तो इसमें हम पीसने के लिए दही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे। तीन चार चम्मच दही डाल दी। अभी हम इसको पीस लेते। तो ये हमारा पीस गया एकदम अच्छे से, हो गया इस तरह। तो इसको अभी निकाल देंगे। तो अभी पीस लिया हमने, तो इसी में चावल में ही थोड़ा सा नमक डाल के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्वाद के लिए। और थोड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे। और इसमें मीठा सोडा डालेंगे एक चम्मच, ये छोटा प्लास्टिक का चम्मच है। और अभी जो हमने चावल पीसे थे वो भी इसी में डाल देंगे। और ये सूजी है वो भी डाल देंगे। और ये हरा धनिया है ये भी डालेंगे इसी में। तो इसमें एक चम्मच अजवाइन डाल देते हैं हम। और हमने और ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता को छोटा छोटा काट के भी डाल देगी। धनिया भी डाल दिया। अभी इसको 10 मिनट के लिए रहने देंगे, रेस्ट करेंगे। सूजी डाली है ना वो फूल जाएगी, तभी इसको बनाएंगे। हमारी जाली है, इसमें हम इसमें बनाएंगे। तो पहले नीचे रखेंगे और इसके ऊपर बना बना के रख देंगे, फिर इसको अंदर रखेंगे। छोटे छोटे ही बनाएंगे इसके टिक्के जैसे, और इसमें पेंसिल से इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर मैं स्टीम करके बना दूंगी। पेंसिल को थोड़ा तेल में ऐसे डुबो देंगे और डुबा रहा जाली में तेल लगा के रखा है। तो ऐसे ज़्यादा फैलाएगी नहीं, थोड़ा सा ऐसे दबाएगी इसको और पेंसिल को ऐसे गीला करके ऐसे बीच में फूल कर देंगे। और इधर हमने स्टीमर बना के रखा पानी का, और ये जाली है, जाली के ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। और ये भी इसको पकने देंगे हम 10-15 मिनट। अभी चेक करते हैं पके भी है। ये हमारे अच्छे से पक गए, ऐसे फटने लगे, दरारे आने लगी इसमें।
आसानी से निकल रहे हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते ऊपर ऐसे। आराम से निकल गए अच्छे से। और इसको ना इसमें सूजी डालना ज़रूरी होता है, सूजी से बाइंडिंग हो जाते हैं ना, तो आधे पके चावल आधे कच्चे चावल अच्छे से पकाना। ये हो गए हमारे तैयार, एकदम से बढ़िया बन गए। तो अभी हमने एक बार बना दिए, तो और बनाते हैं थोड़े। हमारे अच्छे से इतने नरम नरम बने ना, एक बार बनाओगे तो बार बार बना दोगे। ये हमारी जाली थोड़ी छोटी है, ऐसे किसी के घर में स्टीमर हो, जाली बड़ी हो, तो एक ही बार ज़्यादा डाल के बना सकते हैं। मेरे जाली थोड़ी छोटी है, तो इसमें थोड़े थोड़े ही बन रहे हैं, दो तीन बार बना दूंगी। इसको ज़्यादा दबाएगी नहीं, बस इसको जैसे बड़े फ्राई भी कर सकते, फ्राई भी करेंगे बहुत बढ़िया बनेंगे, पर हम लोग फ्राई नहीं कर रहे हैं आजकल, तेल वगैरह लोग कम ही खाते, तो हमारे घर में भी खाते नहीं है तेल, इसलिए इसमें तेल नहीं डाल, फ्राई नहीं करेंगे ऐसे ही। तो इसको अभी हम डाल देते हैं इसमें, इसको करते बीच और जाल को रखते इसको और पकाते। तो अभी देखते हैं हम और पके भी है। ये अच्छे से हो गए है, अभी पके है, तो इसको ऊपर निकाल देंगे। इसको निकालते हैं, अरे अच्छे से पके ना, फटने पे लग गए। तो ये तैयार हो गए हमारे बड़े, बड़े बोलो स्नैक्स बोलो कुछ भी बोल सकते हैं इसके लिए। और बचे हुए चावल से इतने टेस्टी और हेल्दी, ना इसमें तेल है ना इसमें मसाले हैं, और हरी चटनी के साथ बनाए, टमाटर और धनिया पुदीना की चटनी है, चटनी के साथ आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे इसके साथ सॉस के साथ खा सकते हैं, किस चीज़ की चटनी का के लिए भी नाश्ते के लिए इतने बढ़िया हेल्दी हो गए। जो बचे हुए चावल हो गए वो भी यूज़ में आ जाएंगे, पर सूजी इसमें ज़रूरी होता है, सूजी कच्चा चावल का आटा और पके हुए चावल तीनों चीज़ों से बनते हैं, दो से भी बन सकते हैं चावल के आटे और सूजी से। मेरे वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय माता दी।